बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साइंस क्लास। टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ टाइप्स ऑफ टीथ। सो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक, हम इस टॉपिक में क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हम इसमें स्टडी करेंगे और उन टीथ के नाम क्या हैं। नंबर वन इज़ केनाइन, सेकेंड इज़ मोलार्स, प्रीमोलार्स एंड इंसिजर्स। हम इनका देखेंगे कि ये हमारे माउथ में इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर लोकेट करते हैं और इनका फंक्शन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल द टीथ आर नॉट अलाइक, सारे टीथ एक तरह के नहीं होते हैं। दे हैव द डिफरेंट शेप, देयर शेप डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन। हर जो हमारे पास टीथ होता है उसका शेप जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो उनका जो शेप होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनका शेप डिपेंड करता है उनके फंक्शन के ऊपर। सो देख लेते हैं कि जो टीथ हैं उनका फंक्शन क्या है और उनकी लोकेशन क्या है, मतलब वो कहाँ पर हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। द फोर टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जा, हमारी जा के फ्रंट के ऊपर। आई एम यूजिंग दिस पेन टू हाईलाइट द इंसीजर्स। ओके, हमारा ये क्या कह रहे हैं, द फोर टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जा, हमारी जो जा है ईच जा के फ्रंट के ऊपर। फ्रंट मतलब जो सामने वाले जो जा हैं, सामने वाले जो टीथ हैं। वन वन टू थ्री एंड फोर, ये जो सामने वाले फोर टीथ हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं इंसीजर्स कह रहे हैं। इसी तरह लोअर जा में आप देखें तो वन टू थ्री एंड फोर, ये जो नीचे वाले लोअर जा में जो फ्रंट वाले, ऊपर जा में भी फ्रंट वाले और नीचे निचला जो हमारा जा है, जो लोअर जा है उसमें भी सामने वाले फ्रंट वाले जो फोर टीथ हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं इंसीजर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, इंसीजर्स, ये वाले दीज फोर टीथ्स, ठीक है, लोअर में भी और अपर में भी, इनको हम क्या कह रहे हैं, इंसीजर्स कह रहे हैं। और इन इंसीजर्स का आप देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। हमने ये देख लिया कि माउथ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सो ईच जा आर स्पेशली मेड फॉर कटिंग द फूड। ओके, द फोर टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जा, हर जा में जो फ्रंट वाले फोर टीथ होते हैं इनका स्पेशल फंक्शन क्या होता है, फॉर कटिंग द फूड, ये फूड को क्या करते हैं, कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंसीजर्स, तो हम इनको क्या कहते हैं, इंसीजर्स। फोर इन द लोअर जा, फोर इन द अपर जा, सो टोटल एट इंसीजर्स। ओके, देयर आर टू पॉइंटेड टीथ्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर्स, इंसीजर के बिल्कुल साथ में। इंसीजर को मैं इस पेन के साथ हाईलाइट करूँगी कि जो हमारे पास ये मोल इंसीजर्स थे, इंसीजर्स के बिल्कुल यहाँ पर साइड में, वन दिस एंड वन दिस, दिस वन एंड दिस वन। और इसी तरह अपर जा में भी अगर हम देखेंगे तो वन दिस वन और सेकेंड इज सॉरी दिस वन एंड दिस वन। ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं केनाइंस। क्या हैं, केनाइंस, बिल्कुल किसके साथ मौजूद हैं, इंसीजर्स के साथ। ये हमारे फोर इंसीजर्स हैं, इन फोर इंसीजर्स के साथ ये वाला टीथ और जो ये वाला टीथ है इनको हम क्या कह रहे हैं, केनाइंस कह रहे हैं। मीन ईच जा, ईच जा का मतलब होता है हर जा में, हर जा में हर साइड पे, मतलब वन दिस साइड एंड वन दिस साइड। इस साइड में भी एक के नाइन मौजूद है और इस साइड में भी एक के नाइन मौजूद है। लोअर अगर आप जा देखें तो इंसीजर्स के बिल्कुल साथ में इस साइड पे भी एक के नाइन मौजूद है और इस साइड पे भी एक के नाइन मौजूद है। तो वी कैन से ईच जा कंटेन टू के नाइन्स। कितने के नाइन्स होते हैं, दो के नाइन्स होते हैं हर जा के पास। और टोटल कितने के नाइन्स हमारे टू जाज में प्रेजेंट होते हैं, टोटल हमारे पास फोर केनाइंस होते हैं, टू ऑन ईच जा। ओके, सो इन केनाइंस का फंक्शन देख लेते हैं कि ये केनाइन फंक्शन क्या करते हैं। देयर वर्क इज़ टू ग्रिप एंड टीयर द फूड, इनका काम क्या होता है केनाइंस का, फूड को ग्रिप करते हैं और फूड को क्या करते हैं, टीयर करते हैं। टीयर मतलब फाड़ना। मोस्टली जो कार्निवोर्स होते हैं उनके पास ये टीथ जो केनाइंस होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और ये जो केनाइंस होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं इंसीजर्स से, मतलब इंसीजर्स जो हैं वो केनाइंस के मामले में कम पावरफुल हैं। सो द नेक्स्ट टीथ, नेक्स्ट जो हम पढ़े हैं वो है
प्रीमोलार्स एंड मोलार्स तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं. द रिमेनिंग टीथ आर फ्लैट ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टीथ. इनका काम क्या होता है, प्रीमोलार्स और मोलार्स क्या करते हैं, ये ग्राइंडिंग करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब पेस्ट बना देते हैं खाने को, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, पीसना. एंड च्यूइंग, च्यूइंग वर्ड का मतलब होता है चबाना, कि ये जो टीथ होते हैं ये सिर्फ चबाने का काम करते हैं. तो देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं. तो आई विल हाईलाइट विद दिस पेन. सो यहाँ लोअर जा में अगर आप देखें तो हमने ये पता कर लिया इंसीजर्स फ्रंट वाले टीथ, उसके साथ में हमने पढ़ा केनाइन है, केनाइन ये इसके साथ बिल्कुल इंसीजर्स के साथ की साइड में जो दो ये टीथ मौजूद हैं इनको हम केनाइंस कह रहे हैं. केनाइंस का बिल्कुल साथ में जो ये दो टीथ मौजूद हैं इन द लोअर आल्सो एंड इन द अपर आल्सो, यू कैन आल्सो मीन्स मैं आप ऐसे समझ लें कि मैं दोनों की बात कर रही हूँ, बट मैं आपको लोअर जा में इसको दिखा रही हूँ, अपर जा में भी ये सेम ही पोजीशन के ऊपर होंगे बिल्कुल केनाइंस के साथ. तो ये केनाइन है, केनाइन के बिल्कुल साथ में यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, प्री मोलर्स मौजूद हैं, टू ऑन वन साइड टू ऑन अदर साइड. ईच साइड के ऊपर कितने मोलार्स हैं, प्री मोलार्स हैं दो हैं, टू ये रहे बिल्कुल केनाइन के साथ में दो ये, और इसके केनाइन के बिल्कुल साथ में दो ये, इनको क्या हम कह रहे हैं, प्री मोलार्स कह रहे हैं. अब इन दो के बिल्कुल साथ में जो लास्ट वाले थ्री टीथ हैं, वन टू एंड थ्री, और इस साइड पे भी वन टू एंड थ्री, इन तीनों को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं मोलार्स टीथ. मतलब ईच साइड कंटेन थ्री मोलार्स टीथ, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री, मीन टोटल सिक्स मोलार्स ट्री इन वन जा. एक जा में कितने मोलार्स टीथ होते हैं, सिक्स होते हैं. हर सॉरी ईच जा कंटेन सिक्स मोलार्स टीथ, और हर साइड में कितने होते हैं, हर जो साइड होती है मतलब एक जो जा होती है उसकी एक साइड पे भी तीन होते हैं और दूसरी साइड पे भी तीन होते हैं. इसी तरह प्री मोलार्स भी ईच साइड में, इस साइड में दो हैं तो यहाँ पर भी दो हैं. इन केनाइन जो हैं इस साइड में एक है तो उस साइड में भी एक है. और इंसीजर्स जो हैं वो फ्रंट पे मौजूद हैं, वो क्या हैं, फोर हैं हमारे पास. और इन प्री मोलार्स और मोलार्स का फंक्शन क्या होता है, कि ये फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं. सो के आपका जो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा वो आपको आज कम्प्लीटली समझ आया होगा. और केनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स और इंसीजर्स क्या होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये सब आपको आसानी से समझ आ गया होगा. सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट सून. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़.